नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत के बाद आईसीसी विश्व कप 2023 की पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर। ऑस्ट्रेलिया को पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फायदा तो क्या है, पूरा पॉइंट्स टेबल बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका 43.3 ओवर्स में 209 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की तरफ से कुशल परेरा ने सबसे ज्यादा 78 रनों की पारी खेली। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एडम जेम्पा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम का प्रदर्शन शानदार रहा और मात्र 35.2 ओवर्स में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉस इंग्लिस ने सबसे ज्यादा 58 रनों की पारी खेली। वहीं श्रीलंका की तरफ से मत्संगा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के साथ ही वर्ल्ड कप 2023 का पूरा पॉइंट टेबल बदल गया। तो चलिए नजर डालते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के पॉइंट टेबल पर। दोस्तों, नंबर 1 पर 6 अंकों के साथ भारत की टीम है, इसने अब तक 3 मुकाबले खेले और तीनों ही जीते हैं। नंबर 2 पर 6 अंकों के साथ न्यूजीलैंड की टीम है, इसने भी अब तक 3 मुकाबले खेले और तीनों ही जीते हैं। नंबर 3 पर 4 अंकों के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम है, इसने अब तक 2 मुकाबले खेले और दोनों ही जीते हैं। नंबर 4 पर 4 अंकों के साथ पाकिस्तान की टीम है, इसने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 2 जीते और 1 हारा है। नंबर 5 पर 2 अंकों के साथ इंग्लैंड की टीम है, इसने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 1 जीता और 2 हारे हैं। नंबर 6 पर 2 अंकों के साथ अफगानिस्तान की टीम है, इसने भी अब तक 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 1 जीता और 2 हारे हैं। नंबर 7 पर 2 अंकों के साथ बांग्लादेश की टीम है, इसने भी अब तक 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 1 जीता और 2 हारे हैं। नंबर 8 पर 2 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इसने भी अब तक 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 1 जीता और 2 हारे हैं। नंबर 9 पर 0 अंक के साथ श्रीलंका की टीम है, इसने अब तक 3 मुकाबले खेले और तीनों ही हारे हैं। और नंबर 10 पर 0 अंक के साथ नीदरलैंड की टीम है, इसने अब तक 2 मुकाबले खेले और दोनों ही हारे हैं। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्रिक फादर को सब्सक्राइब कर लीजिए।